हाय गाइस, तो आज अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बारे में। व्हाट इज गुजरात? गुजरात उस प्रदेश के बारे में, बिजनेसमैनों के प्रदेश, मोदी जी के स्टेट के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि वहाँ पे जाने के बाद सारे के सारे लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, मोदी जैसे बन जाते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन कौन नहीं लेना चाहता। आखिर प्रॉब्लम यह आ रहा है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया NTA की वेबसाइट पर और वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। कॉलेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या जोशवा की तरह काउंसलिंग होगी, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा NTA का, जैसे ही आप एग्जाम देंगे NTA रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपने अपने पोर्टल पर जो है एप्लीकेशन इनवाइट करेगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया होगी कि जिनके 25 मार्क्स आए हैं, जिनके 10 मार्क्स आए हैं, जिनके 5 मार्क्स आए हैं, जिनके 15 मार्क्स आए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कुछ स्पेसिफिक फीस होती है 100 से 200 रुपये, वो 200 से 200 रुपये लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कट ऑफ के हिसाब से आपको जो है एडमिशन दिया जाता है। फिर भी जैसे अगर सीटें फिल नहीं होती तो सेकेंड राउंड किया जाता है, अगर फिर से सीटें फिल नहीं होती तो थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स ऐसे राउंड चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर और आपका जो एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा यूनिक यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, क्योंकि यहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है। वो कहते हैं कि मोटा कर तू कछवाता, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं जस्ट लाइक कि ये जो है इनके खून के अंदर ही बिजनेसमैन लोग पाए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर सुंदर पिचाई जी है, तो उनके नाम से कॉलेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस हो गए थोड़े ज़्यादा। तो गुजरात भी कम नहीं है, राजस्थान भी कोटा कम नहीं है, वैसे ही दिल्ली भी कम नहीं है, लेकिन जो है ये गुजरात जो है ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है, यहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है। ठीक है, सो यहाँ पर हर कोई एडमिशन ऑप्ट करना चाहता है। तो जो यहाँ पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से जो है जैसे NTA ने रिलीज किया तो यूनिवर्सिटी ने जो है अपडेट डाल दिया अपनी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट पर, यह जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेजुएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पोस्ट ग्रेजुएट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है और पब्लिक नोटिस भी आ चुका है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। ओके, तो यू कैन राइट फॉर योर बेस्ट, अपना बेस्ट दे टेस्ट के अंदर, खूब तैयारी करें, बहुत ही कम मजे करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको इसका फॉर्म अप्लीकेशन कैसे फिल करना है तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ। जो है जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है देश की, 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है NCERT.NTA.NIC.IN के अंदर, तो उन सभी का फॉर्म एक ही है। वहाँ पे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा फॉर्म के अंदर कि आपको फिल कैसे फिल करना है, यूनिवर्सिटी का नाम या नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, तो आपको जस्ट दोनों फॉर्म सेलेक्ट करने होंगे। पेपर जो कोड है वो PQI P01 और QI P02, वो बहुत मैटर करता है आपके कोर्स के अंदर। तो आप जो है दोनों कोड को सेलेक्ट करें और अपना जो प्रोग्राम वो बिल्कुल सही सेलेक्ट करें। अगर आप UG के हैं तो UG सेलेक्ट करें और PG के हैं तो PG सेलेक्ट करें। अगर आपको कोई एडमिशन के रिगार्डिंग और भी कोई कंसर्न हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई काउंसलिंग या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना हो, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, तभी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होटल फीस ओनली फॉर 2 डेयर मिल्क के प्राइजेज के अंदर आपका एडमिशन कराया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।